अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं आटो कैट 2015 में लेसन नंबर 132। और आज के इस लेसन में हम एक मैकेनिकल पेंडुलम ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कमांड्स। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमने पेंडुलम ड्रॉ करना है तो उसकी शेप, आज के इस लेसन में हम इस तरह का एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे, इसे मैकेनिकल पेंडुलम कहते हैं। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ, स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे टॉप इस बटन पे क्लिक करूँगा और इसे मैं फ्रंट पे क्लिक करूँगा। यहाँ से फ्रंट व्यू में मैं क्लिक करता हूँ, फ्रंट व्यू में काम करेंगे। यूसीएस आइकन को ओरिजिन पॉइंट में ले जाने के लिए यूसी एंटर करेंगे और डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट को अनचेक करके ओके कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास इसकी डायमेंशंस तो नहीं दी हुई, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसको ड्रॉ करने की, इसको किस तरह ड्रॉ किया जाएगा उसके लिए मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेता हूँ, आर ई सी एंटर एट द रेट, और मैं इसे देता हूँ जी 90, बल्कि 120 कॉमा 30 एंटर, जेड स्पेस ए स्पेस। ओके, ये ज़्यादा हो गया तो इसमें थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ यहाँ तक। और अब मैं एक आर्क ड्रॉ करूँगा ए एंटर, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक आर्क ड्रॉ करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ आप यहाँ से, ऑफसेट लेता हूँ एंटर, थ्रो के लिए एंटर, और यहाँ से इसको मैं थ्रो थ्रो करता हूँ जितना आप चाहो आप यहाँ से थ्रो कर लो। इन यहाँ पे मैं एक सेंट्रल सर्कल लेता हूँ सी एंटर, और सर्कल लेता हूँ 2P एंटर, 2 पॉइंट सर्कल लिया मैंने यहाँ से, यहाँ से भी सर्कल लेता हूँ 2 पॉइंट सी एंटर एंड 2 पॉइंट एंटर, ट्रिम के लिए TR डबल एंटर, इसको ट्रिम कर लिया और यहाँ से इसको भी ट्रिम कर देता हूँ, एल एंटर करता हूँ सी मिड पॉइंट से, एल इंटर, ओके। और यहाँ से इसको मैं ऑफसेट देता हूँ या फिर मैं यहाँ से इसको लाइन यहाँ से ऊपर लेके जाता हूँ, इसको F8 प्रेस करता हूँ स्ट्रेट लाइन के लिए, और यहाँ से मैं इसको ऑफसेट दूंगा, इसके डिस्टेंस दूंगा 85 एंटर करता हूँ। डिलीट कर दूँ इसको, एल इंटर 100 एंटर, ऑफसेट लेता हूँ ओ एंटर 10 एंटर, और एक बार और यहाँ से यहाँ तक, इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से डिलीट करूँगा, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से मूव करता हूँ इस साइड पे, TR डबल एंटर, या बल्कि इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ यहाँ से इस साइड में, और इसको भी थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ, तो यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। ओके, तो अब यहाँ से इसको ट्रिम करूँगा, और उसके अलावा ट्रिम के अलावा मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, ज्वाइन के लिए जे एंटर सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके स्पेस प्रेस करता हूँ, ज्वाइन हो गया।
और अब इसको भी थ्रो करूँगा और एंटर थ्रो इसको करता हूँ थोड़ा सा। ओके ओ एंटर ट्री एंटर, थोड़ा सा जूम कर लें ताकि आपको इजीली नजर आए। यहाँ तक इसको मैं थ्रो कर लिया। थ्रो करने के बाद आप यहाँ से इस पॉइंट से आप इसको ट्रिम कर दें, टी आर डबल एंटर इसको, और इसको यहाँ से इसको आप डिलीट कर दें, इसको ट्रिम करें टी आर डबल एंटर। एक सर्कल लें यहाँ से, सी एंटर, एल एंटर करता हूँ मैं यहाँ से थोड़ा सा, एल एंटर, सर्कल लेता हूँ सी एंटर, और इस पॉइंट से सर्कल लूँगा थोड़ा सा जो इसको सही कवर करे। ओके और अब मैं इसको मूव करूँगा, यहाँ से इसको मूव करता हूँ थोड़ा सा एंटर, और इसको यहाँ से थोड़ा मूव करूँगा ऊपर की तरफ। ओके इसको ऑफसेट लेता हूँ, पहले ट्रिम करूँगा टी आर डबल एंटर, इसको ट्रिम करता हूँ टी आर डबल एंटर, डिलीट करता हूँ अनवांटेड को और ट्रिम टी आर डबल एंटर, इसको भी ट्रिम कर लिया, इसको भी ट्रिम कर लिया। ऑफसेट लेता हूँ एंटर थ्रो टी एंटर, बल्कि मैं सर्कल लेता हूँ ड्रॉ करता हूँ सर्कल, सी एंटर, ओके यहाँ तक जी कंप्लीट हो गया। अब इसको ज्वाइन करें जे एंटर, यहाँ से इसको 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 सिलेक्ट करके स्पेस प्रेस करें, तो ज्वाइन हो गया जेड स्पेस ए स्पेस। ओके अब यहाँ से जो आपने काम करना है इसमें भी आप सर्कल लें, सी एंटर, टू पॉइंट सर्कल लें, टू पी एंटर, और फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में क्लिक करें और उसको ट्रिम कर लें टी आर डबल एंटर। यहाँ तक हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे अपने सर्कल लेना है सी एंटर, यहाँ से इसके फिलेट पॉइंट देखें कौन सा है, सी एंटर, सी एंटर, मूव करता हूँ एम एंटर, F8, ओके जे एंटर, स्पेस प्रेस करके सारी को सिलेक्ट करके स्पेस प्रेस करें तो ये ज्वाइन हो गया। ओके यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से इसको फिलेट कमांड अप्लाई करें, एफ एंटर, फोर एंटर रेडियस दे, तो फोर एफ एंटर रेडियस, आर एंटर फोर एंटर, यहाँ से इसको रेडियस दे दिया। अभी हमारे पास एक शेप ड्रॉ हो गया। अब इसको मैं यहाँ से एस डब्ल्यू एस मेट्रिक व्यू में लेके जाता हूँ, यहाँ से टॉप पे लेके जाता हूँ इसको, दोबारा यहाँ से एस डब्ल्यू एस मेट्रिक व्यू में लेके आता हूँ। ओके अब यहाँ से प्रेस पुल कमांड आप यूज़ करें, होम में जाएं और यहाँ से प्रेस पुल कमांड यूज़ करें, इसको थोड़ा सा मूव करें, तो इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ पे एट एंटर, देख सकते हैं। अब मूव करने के बाद आप यहाँ से इसे स्विच एस डब्ल्यू एस मैट्रिक व्यू में लेके आए, और यहाँ से आपने इसे रियल इलास्टिक पे क्लिक करें, रियल इलास्टिक में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पास एक शेप ड्रॉ हो गया,
ओके, अगर आपके पास ये होल्स नहीं बनते ये वाले, तो आप प्रेस पुल कमांड की मदद से आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, होल्स इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, तो इसको मैं अब मूव करता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको, थोड़ा सा यहाँ से आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करें थोड़ा सा आगे से आगे मूव करें इसको, और ये जो एरिया बन गया इसको आप डिलीट कर दें। ओके, अब मैं इसको मूव करता हूँ यहाँ से, एम एंटर, बल्कि कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे कुछ और एडजेस के आगे देखें, यहाँ पे और से देखें तो यहाँ पे कुछ और एडजेस हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए आप दोबारा फिलेट कमांड आप यूज़ कर सकते हैं, एफ एंटर, रेडियस आर एंटर, 3 रेडियस दे दें, और इसको यहाँ से आप सिलेक्ट करें, उसके एज को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे रेडियस का ख़त्म कर सकते हैं, ये जो इसके शॉर्ट पेज आ गए इसको आप ख़त्म कर सकते हैं। मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, स्पेस पे करता हूँ, देखें यहाँ पे कुछ फ़र्क हुआ है, हल्का सा पड़ा है, और इसी को आप फिर दोबारा रोटेट करके दूसरे से भी आप ये काम कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, सी पी एंटर, इसको थोड़ा सा आगे कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ, और कॉपी करने के लिए सी पी एंटर और F8 प्रेस करें स्ट्रेट लाइन के लिए। अब जब इसे कॉपी करें, देखो F8 में प्रेस किया तो इसको यहाँ तक मिल जाता हूँ। ओके, अब यहाँ पे प्रेस पुल कमांड आपने यूज़ करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ से दोबारा इसमें जाएं, फ्रंट व्यू में आप क्लिक करें, फ्रंट व्यू में आप आ गए, थोड़ी वायर फ्रेम में फ्रंट फ्रंट व्यू में आ गया, और यहाँ से इसको एक सर्कल निकोड़, सी एंटर, दोबारा इस व्यू में जाता हूँ, और इस सर्कल को यहाँ से प्रेस पुल कमांड की मदद से मूव करूँगा, तो मैं यहाँ से देखना चाह रहा हूँ कि सर्कल मैंने कौन से फिर मैंने ड्रॉ किया, ओके ये सर्कल है, देखें प्रेस पुल कमांड से मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको दिया था 8, आई थिंक 8 दिया था, 8 एंटर, देखूँ मैं ज़रा और रियलिस्टिक में जाके देखूँ, ओके यहाँ पे ये फेल हो गया। अब यहाँ से आपने क्या करना है, किसी को आप यहाँ से प्रेस पुल कमांड्स की मदद से इसको प्रेस करें और इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले आए, इस कॉर्नर तक, और फिर यहाँ से इसको प्रेस पुल कमांड की मदद से आगे लेके जाएं और एड कर लें, और दूसरी साइड से भी आप इसको मूव करें, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से भी आप एड कर लें। ओके, तो आप बस यहाँ पे देखें एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया, देखें मैकेनिकल पुलिया आपका ड्रॉ हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, और इन लेसन की बार बार प्रैक्टिस करें ताकि प्रोफेशनली मैकेनिकल काम कर सकें। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।